हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, OMG 2 का ट्रेलर तो आपने देख ही लिया होगा और आपने उसके बारे में अपने अपने फैसले भी दे दिए होंगे कि आपको वो ट्रेलर अच्छा लगा या बुरा लगा। भाई, मुझे जैसा लगा मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप जाके उसको देख सकते हैं। मैंने रिव्यू दिया, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही खूबसूरत सा मैंने रिव्यू दिया। जिसने नहीं देखा वो जाके देख सकता है, वरना कोई बात नहीं, आप इस वीडियो पे बने रहें। तो अभी मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ OMG 2 की, जो एडवांस बुकिंग हुई है अभी 11 बजे तक, अभी 3 अगस्त सुबह 11 बजे तक कितनी हुई है तो बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा कमेंट और छोड़ दें और मुझे दिल से अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नो टेंशन। देखिए दोस्तों, OMG 2 को आज, मतलब इसकी एडवांस बुकिंग को स्टार्ट हुए हुए आज 3रा दिन है और इस 3रे दिन में ही फैसला होगा कि इसकी एडवांस बुकिंग कितनी जाने वाली है। क्योंकि पहला और दूसरा दिन जो निकला एडवांस बुकिंग का, वो थोड़ा सा मायूसी भरा निकला। वो इसलिए क्योंकि परसों रात को अक्षय कुमार ने ट्विटर पे एक पोस्ट किया था कि भाई इसकी जो ट्रेलर है वो आएगा कल, यानी कि 2 तारीख को सुबह। ये टाइम नहीं बताया था, हम लोग अपनी प्रेडिक्शन कर रहे थे हो सकता है सुबह 11 बजे आ जाए, जैसे आज सुबह 11 बजे आ गया। लेकिन कल कुछ प्रॉब्लम हो गई, किसी वजह से किसी की डेथ हो गई नितिन देसाई साहब की, इस वजह से उन्होंने रेस्पेक्ट की वजह से ट्रेलर को रिलीज़ नहीं किया और इसी दौरान उन्होंने आज इस ट्रेलर को रिलीज़ कर दिया। भाई कुछ लोग अच्छा कह रहे हैं, कुछ लोग बुरा कह रहे हैं, वो अपनी अपनी इनकी लोगों की सोच होती है भाई, जिसको जो पसंद है जिसको जो पसंद है, हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, अपनी अपनी राय है। लेकिन जो एडवांस बुकिंग दोस्तों अब स्टार्ट हुई है 11 बजे से, वो काफ़ी ताबड़तोड़ हुई है। मैं आपको बताता हूँ कि इसकी जो सिंगल, मतलब 11 बजे तक जो एडवांस बुकिंग हुई है, मैं 11 बजे तक बता रहा हूँ, सिंगल स्क्रीन जो है अभी तक, जो सिंगल स्क्रीन है 11 बजे तक, मतलब सुबह से 11 बजे तक इसकी जो एडवांस बुकिंग हुई वो दोस्तों 1100 टिकट की हुई, मतलब 1100 टिकट सिंगल स्क्रीन के बिक चुके थे। PVR के दोस्तों 550 टिकट बिक चुके थे और आइनॉक्स के 350 टिकट बिक चुके थे। और इसकी अगर मैं अभी तक की, मतलब जितनी भी अभी टोटल इसकी एडवांस बुकिंग हुई है उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं अभी तक, तो ये सुन के तो आपके होश उड़ने वाले हैं। मतलब ट्रेलर से पहले पहले तक की इसकी सारी एडवांस बुकिंग वो है दोस्तों, टोटल टिकट्स जो इसके बिके हैं 4913 टिकट बिके हैं ट्रेलर से पहले पहले। और कितना, मतलब इसका कलेक्शन बना, वो बना है 17 लाख रुपए का। मतलब ट्रेलर से पहले पहले इसने 17 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग कर ली, जो कि टिकट बिके 4913। अभी ट्रेलर रिलीज होने के बाद में जो लोगों को, मतलब एक कनेक्टिविटी आई, लोगों ने पसंद करा ट्रेलर, जिन लोगों ने पसंद करा भाई वो तो फिर मूवी को जो है देखने के लिए टिकट तो बुक करेंगे। अब देखना ये है कि कितनी, मतलब होती है बढ़ोतरी टिकट्स में या कलेक्शन में, वो दोस्तों मैं आपको शाम को बताऊंगा कि कितनी आएगी, अभी एकदम तो नहीं आती है, थोड़ा टाइम लगता है। तो जैसे ही कोई रिपोर्ट आएगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आप अपने भाई को जो है सब्सक्राइब करिए अगर आपने नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। एंड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।